अच्छी डेजर्ट बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगी और फायदा भी करती है, इस मौसम के लिए परफेक्ट है। और फ्रेश रेंज में बनाएंगे हम लोग। डिश का नाम बताने के पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन तो आपने दबा ही दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबाइए, क्योंकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आप झटपट से देखेंगे और नए नए रेसिपीज आप ट्राई करेंगे। तो अब मैं डिश का नाम बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बना रहे हैं। हम लोग बिल्कुल इसमें एक भी मार्केट की चीज यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी से जो क्रश बनाया था तो उससे हमने श्रीखंड प्रिपेयर करना है। बिल्कुल फ्रेश है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से हम बनाना सीखते हैं। स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गाढ़ा दही या हंग कर्ड, जो कि मैंने दही को, 1 लीटर दही को मैंने कॉटन का बिल्कुल पतला वाला जो कपड़ा आता है, मलमल का कपड़ा, उसमें टांग दिया था तो सारा पानी निकल गया। तो ऑलमोस्ट मेरे को 250 ग्राम गाढ़ा दही मिल गया है, हमें ये लेना है। और साथ ही फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जो क्रश बनाया था मैंने, इतनी चीज में एक परफेक्ट डेजर्ट आपको मिलेगी, काफी लोगों को पसंद आएगी। तो हम लोग झटपट से बना लेते हैं। 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी लिया है जिसका ग्रीन पार्ट मैंने निकाल दिया, और 6 टेबल स्पून शुगर, इसको मैं बारीक बारीक चॉप करके इसकी प्यूरी बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी की, और साथ में ही शुगर डाल देंगे, तो दोनों को एक साथ पीस लेंगे। तो अभी आपको पीस कर दिखाती हूँ। प्यूरी बन गई है, देख कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं फ्राई पैन में डालती हूँ इसको, सारा डाल देते हैं, और इसको स्टार्टिंग में धीमी आंच पर, फिर बीच में हम तेज आंच कर लेंगे, और जब ये रिड्यूस होगा तो हम वापस धीमी आंच कर देंगे, गाढ़ा होने तक पकाना है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि स्मेल आपको इसकी कितनी बढ़िया लग रही है। अब स्ट्रॉबेरी क्रश थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, आप इसे मिल्क शेक, दही की लस्सी में भी आप स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, और पहले से ज़्यादा बना के रख लीजिए। तो आप अपनी नॉर्मल डिश को या जो सादा दिखने वाली डिश को भी आप डिलीशियस और अच्छा लुक दे सकते हैं। अब गाढ़ा होने के बाद आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि देखिए इस तरह से, अभी तो गर्म है इसलिए थोड़ा पतला है, ठंडा होते ही ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। जो मैंने स्ट्रॉबेरी यूज़ की थी काफ़ी मीठी थी, अगर आप जो स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हो अगर खट्टी हो तो आप शुगर थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा क्रश आपका बन जाएगा। देखिए अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और ठंडा करके आपको दिखाऊंगा। हंग कर्ड को हल्का हल्का हमने फेंटना है, हल्का फेंटना है, अगर ज़्यादा फेंटेंगे तो इसका क्रीम निकल जाएगा। दही हमने फुल क्रीम मिल्क का लिया है, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, अगर आपको टोन मिल्क का पसंद आता है दही तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा फेंटना है। अब स्ट्रॉबेरी क्रश मैं डाल देती हूँ, जस्ट मिक्स करना है इसको, अभी 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमने कोई कलर फूड कलर यूज नहीं किया है इसमें, और ना ही कोई एसेंस यूज कर रहे हैं हम, और ये हमारा श्रीखंड इतना प्यारा बन गया है, हेल्दी तो है ही। अगर दही में कोई कोई बाजार से भी गाढ़ा दही लेके आते हैं मार्केट से, तो मार्केट का थोड़ा दही जो होता है जो सॉफ्ट नहीं होता है तो उसमें थोड़े से क्रम्स आते हैं, तो उसको आप छन्नी में डालकर इस तरह से छान भी सकते हैं, तो बिल्कुल स्मूथ श्रीखंड आपका रेडी होगा, और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं एक चम्मच और डाल देती हूँ, इसमें शुगर या पाउडर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा सा तेज मीठा खाते हैं आप तो इसमें पाउडर शुगर और ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा, और आप टेस्ट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी की प्रॉपर और ज़्यादा स्मेल चाहिए तो आप एक ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल प्रॉपर कलर मुझे लग रहा है आ गया है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना गाढ़ा बना है, आप जल्दी से ट्राई कीजिएगा, कितना ईजी है सबसे बड़ी बात, तो
इसके ऊपर से थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस मैंने स्ट्रॉबेरी के कट किए हैं वो मैं डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी आता जाएगा। और ये थोड़ा थोड़ा सा मैं स्ट्रॉबेरी से इसको गार्निश कर देती हूँ। है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और अगर हमारे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं है, क्रश तो हमने बना ही लिया था, तो हम ऊपर से क्रश से ही डेकोरेशन कर देते हैं। देखिए मैंने पाइपिंग बैग में डालकर कितना अच्छा आलू का आ रहा है, बिल्कुल मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप जरूर से इसे ट्राई कीजिए, जल्दी से बना लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इतनी जल्दी से बन गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और फायदा तो बहुत करेगा। आप जल्दी से झटपट से बना लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।